हेलो गाइस वेलकम टू एम ट्यूटोरियल्स इस वीडियो में मैं आपके सामने पार्शियल डाइविटी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है देखा आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है इफ़ यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपन वाई शो दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेलेक्स डेल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक और चीज अपने यहाँ प्रूव करना दैट इज डेल स्क्वायर यू अपन डेलेक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स ये अपने को प्रूफ करना है यहाँ पे तो ठीक है आपको यहाँ पे देखो गिवन क्या दिया यहाँ पे आप आपको उसको पहले आप लिखते हैं यहाँ पे That यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई ये अपने को जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ओके okay. तो देखो यहाँ पे अगर मुझे देखो यहाँ पे क्या दिया है डेल एक्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई दिया हुआ है मतलब ये है कि जो पहले अपने क्या करना पड़ेगा वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा है ना U को जो है पहले को Y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे फिर X के रेस्पेक्ट में फर्दर उसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ये वाली चीज़ मिलनी चाहिए तो देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ है ना पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई या पार्शियल डिफरेंशिएटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स उसको अब लिखिएगा मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ ठीक है देल यू अब हमें यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे दैट इज़ डेल वाई ओके इक्वल्स टू अब देखो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है y एक ही जगह पे है ठीक तो है तो x अपना क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ऑफ x का क्या होता है आपका डिफेंसीशन ठीक है अगर इसको देखो तो क्या होगा आपको यहाँ पे ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये अपना फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे वन अपॉन ने वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओके तो यहाँ पे देखो वाई के साथ कौन है यहाँ पे वाई के स्पेक्ट में कर लूँ देखो वाई को देखो कोफिशेंट यहाँ पे कौन है वन अपन एक्स है तो यहाँ पर लिख लो वन अपन एक्स सॉरी वन अपॉन एक्स होगा ना वन अपन एक्स स्क्वायर नहीं होगा यहाँ आपने क्या वन अपन एक्स ओके ये अपना हो गया है आप यहाँ पे आओ यहाँ पे जब आओगे तो देखो यहाँ पे वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी है तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिक मल्टीप्लिकेशन होगा ठीक है जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होता है का वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कीपिंग दिस एज कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे क्या होगा टू वाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई इतना हो गया तो फिर प्लस देखें इसको कॉन्स्टेंट रखते हो इसको डिफरेंशिएट करें दिस विल बिकम वाई स्क्वायर इंटू ये देखो अपना क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई ठीक है इसका होल स्क्वायर देखो मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये अपना एक्स क्या रहेगा एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा और वन अपन वाई विल बिकम माइनस वन अपन वाई स्क्वायर ओके अब इसको जो है ब्रैकेट को आप यहाँ पे क्लोज कर लो फाइन अब देखो यहाँ पे ये यह वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर कैंसिल जाएगा और यहाँ का जो एक्स है यहाँ की एक एक्स जो है यहाँ पे कैंसिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको अपन ऊपर ले आएंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऊपर में एक्स है और देखो नीचे में क्या रहेगा यहाँ पे वन प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्सी स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वाय जब मैं कॉमन ले लूँगा ठीक है एल समा तो देखो यहाँ पे क्या होगा एक्सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वाय हो जाएगा और वो एक्सी स्क्वायर आपको ऊपर में चढ़ेगा फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक एक्स था और पहले से है ना पहले से यहाँ पे आपको आप, आप एक एक्स था और नीचे का जो एक्सी स्क्वायर आपको ऊपर वापस आ जाएगा तो देश विल बिकम एक्स क्यूब फाइन तो इस वाले के लिए अपन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए तो माइनस दे दो यहाँ पे देखिए उसको अपन पैकेट को ओपन कर ले हमें तीस रूपी कम टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इसको लिख दिए देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव तो अपना यहाँ पे क्या पॉजिटिव हो जाएगा ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एक एक्स दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे एक्स लिख लो फिर अपॉन में देखो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे वन देखो यहाँ पे वन है यहाँ देखो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर तो जब मैं पेन्सिला तीस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का जो वाई स्क्वायर है ये आपको ऊपर आ जाएगा फिर तो इसमें क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर पाउन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके ठीक है अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और देखो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिया है वाई स्क्वायर दिया यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉमन कर लेते हैं ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर देखो आप क्या है आपका जो है यहाँ पे एक एक्स कॉमन है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पे देखो एक्स कॉमन निकालने पे यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे एक्स कॉमन निकालने पर वाई स्क्वायर बचेगा ठीक है अपना हो गया यहाँ पे जो बचा हुआ वा आंखे वाला पार्ट उसको लिख लो दैट इज टू वाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई ये हो गया इसे कैंसिल कर लो तो, तो दिस विल बिकम एक्स माइनस टू वाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई ये मुझे बताओ कब मिला जब मैं सॉल्व किया यू को वाई के रिस्पेक्ट में ठीक है आई डिफ्रेंशिएट पार्शली यू विद रिस्पेक्ट टू वाई और आई गॉट दिस रिजल्ट तो यहाँ पे क्या है ऑन सिमिलर ग्राउंड्स ठीक है जब आप यू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको ऐसा नहीं लिखना है आपको बाकायदा ऐसा सॉल्व करना है आपको काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे टेक्निक बताए सॉल्व कैसे करते हैं तो आप इसके लिए खुद से निकालिएगा और मुझे बताइए कॉमेंट में लिख करके कि आपको जो है ये वैल्यू है ठीक है डेलिस डेल्यू अपन डेलक्स जो है वो मेरे डेल्यू अपन डेलक्स से मैच कर रहा है कि नहीं ठीक है इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ठीक है माइनस वाई ये आपको रिजल्ट मिलेगा जब उसको आप है ना यहाँ पे देखो यू को मैं वाई के रिस्पेक्ट में क्या हूँ आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ओके अब देखो हम क्या करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई मतलब क्या देखो तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला हुआ था पहले जो कोई रिजल्ट मिला हुआ था अब उसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में जब मैं पार्सअल डिफ्रेंशिएट करूँगा ठीक है तो देखो अब मुझे आप क्या मिलेगा एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा ना यहाँ पे तो ध्यान से देखो दिस विल बिकम वन ठीक है माइनस यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही जगह पे एक्स दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ये टू वाई एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स अपन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है देखो अब एक्स का देखो कोफिशिएंट पे कौन है वन अपॉन वाई है तो यहाँ पे लिखो वन अपॉन वाई ओके यहाँ का वाई इस वाई से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखो वन माइनस देखो यहाँ पे क्या है नीचे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपाई स्क्वायर दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जब मैं बाई स्क्वायर क्वल्शियम ले लूँगा दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ऊपर आपका आ, आ जाएगा ठीक है दिस बिकम वाई स्क्वायर अब एक और टू यहाँ बचा हुआ तो विल बिकम टू वाई स्क्वायर ये किसका है इसकी वैल्यू है ठीक है तो एक काम करते हैं आप पूरे क्वल्शियम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर अपॉर्म देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आएगा फर्दर इसको सॉल्व कर लो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉम ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यही था जो मुझे यहाँ पे प्रूफ में पूछा था देख लो डेल स्क्वायर यू अपॉर्म डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो यहाँ पे मुझे मिल चुका है ठीक है यहाँ पे लिख लो हूफ देखिए अभी अपना पहला वाला पार्ट प्रूव हुआ है ठीक है सबके वाला पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डेली स्क्वायर यू ओपन डेल एक्स डेल वाई ठीक है जिसको मैं आप ऑलरेडी निकाल चुका हूँ अब मुझे करना क्या है जो मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर निकाला हुआ था ठीक है अब उसको क्या करेंगे अपन वाई के रेस्पेक्ट में फा फर्दर पार्शल डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि यहाँ की वैल्यू भी क्या है सेम आएगी ओके तो मतलब क्या है डेल स्क्वायर यू ओपन में डेल वाई डेल एक्स मतलब क्या है यहाँ पे जब आपको डेली अपन डेलेक्स की जो वैल्यू मिली है इसको अपने यहाँ पे वाई यह के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँगा तो लेटेस्ट सी ये अपना एज इट इज आएगा टू क्योंकि अब मैं वाई के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक्सएफ में क्या कॉन्सटेंट रहेगा दिस विल बिकम टेन यूनिवर्स लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा वन अपॉन में वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ठीक है और वाई के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ मतलब अपना क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे वन अपन एक्स क्या है अपना यहाँ पे कॉन्सटेंट है तो यहाँ पर लिखो वन अपॉन एक्स ओके यहाँ तक क्लियर है सबको आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो ठीक है अब देखो y के रिस्पेक्ट में जब इसको करूँगा तो ये अपना क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है माइनस वन माइनस वाई था तो यहाँ लिखा लिखाओ क्या लिखा मैं माइनस वन हूँ। फाइन आगे बढ़ते हैं <coughs> ये वाला x इस वाला x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे देखो क्या होगा यहाँ पे टू रखा अपॉन में यहाँ पे देखो क्या होगा यहाँ पे है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एल ले दो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर आपको ऊपर आ जाएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर ओके तो देखो यहाँ पे क्या आपका माइनस वन रखा हुआ है ओके तब तो अब क्या करेंगे पूरे का एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इसको सॉल्व कर दो विल we'll गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ये अपना हो जाएगा वाई स्क्वायर अब देख लो यहाँ पे ये आपका मैच किया कि नहीं आपस में ठीक है दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस है ना एम्प्लाईज यहाँ पे लिख सकते हो डेल स्क्वायर यू अपॉन जो पहले निकालते दैट इज डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स ठीक है ये अपना क्या हो गया हैंड्स प्रूफ हो गया ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो अच्छे से समझ भी आया हो तो प्लीज़ को लाइक करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू